Gandhi ji tabade. Presidency, the governor of Andhra Pradesh, and all dignitaries, as the guests, and that makes this day truly special and successful for all of us. Can we have a round of applause for our speakers, the governor of Andhra Pradesh, Shri Mr. Bhushan Harichandan ji. Angavastra and a special book for the Honorable Governor Andhra Pradesh. For our guest of honor, Shri Govind Rao. Thank you, sir, for being here and making this day special for all of us. Vice Chancellor Keat, Professor Sachin Karan Samanta. Thank you, ma'am, for those and may I request Suman Vaidya to please. Manch Parasi, Garmanya Adhikar Mahotsav Azadi Shrankala, Ashtanatya Vidyalaya एवं कीट की तरफ से कहता हूं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और मुख्य अतिथि के तौर पर समारोह का उद्घाटन करना स्वीकार किया। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। एकदम से सिर्फ उनका जमन आयत सत्य को नोए जमन मित्रों को भाषा ही चलते मेरा मरे हम त्रिशरण को हत्या कराए जी पुलिस कुल रहे तो उन्हें बड़ी एक प्रकार वातावरण व्याख्या कर रखी गई आजादी की अमृत महोत्सव आज पालित हो जंगल बण पहाड़ भितर बाहरी एठारे पहुंचा आपण कन्म सरदार मधु विषय तार सशस्त्र पाइक मान गहन मत अभावर आनी एठारे पहुंचे ना अभिमुख अत अंगना पाई सारा खोर्धा अंचल एठारू भि उपयुक्त स्थान मौकी हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। हमारी आज़ादी के 75वें साल में ये भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से एक कोशिश है कि उन वीर सपूतों को हम श्रद्धांजलि दे सकें, लेकिन इसके साथ साथ ये 30 नाटकों के अलावा भारत रंग महोत्सव एक नए रूप में अक्टूबर से भारत के और 15 शहरों में आयोजन किया जाएगा। और इन सभी नाटकों के द्वारा, सभी ग्रुप्स के द्वारा, क्योंकि हम विभिन्न भाषाओं में विभिन्न ग्रुप्स के द्वारा इन नाटकों का आयोजन करते हैं, इसका जो मेन मकसद है थिएटर को बढ़ाना, थिएटर को नई ऊंचाई तक ले जाना, और जो हमारी भारत की जो पुरानी लोक परंपरा है, जबकि हमारा थिएटर जनमानस से जुड़ा हुआ था, दोबारा हमारी कोशिश है कि वो जनमानस से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में आएँ, थिएटर में टिकट खरीद के आएँ, क्योंकि थिएटर अभी भी हमारे लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक अभी भी हम मानते हैं कि एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन थिएटर को अगर अपने पैरों में खड़ा होना है तो लोगों को थिएटर में आना पड़ेगा।